नई तालीम आप लोगों ने सुनी होगी ना, नई तालीम वही तो बैकग्राउंड है ये। नई तालीम के बारे में उन्होंने कहा और वही उन्होंने एनईपी में भी लगाया है। तो एनईपी में उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट यू हैव टू सी एजुकेशन, उनको देखना है क्या उन्होंने कुछ आज जो लेसन उन्होंने पढ़ा, उन्होंने लेसन प्लान बनाया है, टीचर ने उसके बारे में प्रिपरेशन की है, स्टूडेंटों को क्या फीडबैक दिया, क्या वेदर द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड और नॉट, ये भी देखना है। दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थ्रू मदर टंग, मदर टंग एजुकेशन इन मदर टंग। मदर टंग ये है कि मल्टीपल यस मदर टंग है ना, हां सेकेंडरी लेवल पर नहीं अप टू 50 नहीं ये 50 से ये नहीं इन्हीं फिर इसमें मेंशन किया है। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने इसमें लिखा है ट्रेनिंग ऑफ 3H, ट्रेनिंग ऑफ 3H ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3H, 3H, through 3H ये पढ़ाते हैं। अब देखना है ना head, what do you mean by head? Questions will be raised. उसका head उसकी तरफ है कि नहीं, या कोई बच्चा कहता है कि टीचर पढ़ाता है तो वो डिस्कस कर रहा था, ये टीचर को देखना है। You have to train the teacher regarding this. Winter में training courses होंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा देखिए, second point is hot. क्या with hot ये बच्चा दिलचस्पी रखता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? अच्छा हॉट से ये पढ़ा रहा है इनको, अदरवाइज कुछ टीचर्स आते हैं क्लास को फॉर्मेलिटी, दे आर ओनली गोइंग टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी एंड नथिंग एल्स। ये हॉट से पढ़ा रहा है इनको, क्या टीचर की प्रिपरेशन है इस लेसन में, आपको रिपोर्ट देना है। हैंड, क्या हैंड का इस्तेमाल, चॉक का, पेन का, बोर्ड का, हैंड इसमें से कॉपी का, ये सारा कुछ ये टीचर कर रहा है। और दूसरी लिखा है डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सिकल बेसिस लर्निंग इज द हॉलमार्क ऑफ एनईपी। डिग्निटी ऑफ लेबर वो सारा इसी के साथ है ना, हम पॉइंट वाइज ये करते हैं। और सर मेरा ये सजेशन आप इसको आगे ले जा सके, ये सर ये एक जैसे ये किंडरगार्टन है ना सर, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्कूल है वो भी अच्छी किसी कोई टॉपिक मैंने उठाया है उसके लिए लेसन प्लान होना चाहिए, की पॉइंट्स वो पहले देखने हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, थीम ऑफ द लेसन, मोटिव ऑफ द लेसन, दिस इज एंड डिफिकल्ट वर्ड्स ये दिखा रहा है, वो आपको देखना है। इसके लिए हमारे पास है ना वो ऑलरेडी बने हुए हैं लेसन दैट वेंट बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी ओवरऑल आपको देखना है कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, साल भर में या हफ्ते में दो बार आपको इसको देखना है ग्रेडिंग, how many marks he achieved, the lecturers, the benefits of a teacher. और तीसरा उन्होंने लास्ट ये लिखा है कि remarks about the teacher होना चाहिए अपने स्कूलों का सर, इतना और इसके ये accountability क्लास के अलावा भी आकर इतने जो extra work होता है फौजी ये इस्तेमाल कर रहा है ये टीचर, क्या whether the teacher is fully prepared or not, whether he has made prepare the lesson plan or not, without lesson plan aapko usi waqt explanation nikalni hai, theek hai, for example koi